सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले कि गाइस, अगर आप फोन पे से रिचार्ज करते हैं या फोन पे से आप किसी दूसरे के पास पैसा भेजते हैं और आपके फोन पे से पैसा कट जाता है, लेकिन गाइस उस बंदे के पास पैसा नहीं पहुंचता है या गाइस आपका रिचार्ज नहीं होता है, तो गाइस इसका आज सोल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। तो गाइस आप वीडियो को एंड तक देखें, इस वीडियो में गाइस हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप फोन पे से रिचार्ज करते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है और आपका रिचार्ज नहीं हुआ है, तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइस आपको अपने फोन पे को यहां से ओपन कर लेना है। तो गाइस आप जैसे अपने फोन पे को यहां से ओपन कर लेंगे, उसके बाद में गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, गाइस आपको यहाँ पे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस आप जैसे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में गाइस आपके सामने आप जितने भी पेमेंट किए हैं यहाँ पे पूरा डिटेल आपको, गाइस आप यहाँ पे जितने भी पेमेंट आप यहाँ पे किए हैं यहाँ पे पूरा डिटेल ओपन होकर के आएगा। देखिए गाइस आप कहाँ कहाँ पेमेंट किए हैं, कितने कितने रुपए का, यहाँ पे पूरा डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, तो गाइस आपको देखिएगा इस फर्स्ट नंबर पर देखिएगा मेरा रिचार्ज यहाँ पे अभी हुआ नहीं है, हम रिचार्ज किए हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिएगा इस ऊपर यहाँ पे सेंडिंग रिचार्ज रिक्वेस्ट, मतलब गाइस हम एक घंटे, मतलब गाइस हम 10 मिनट पहले रिचार्ज किए हैं और मेरा रिचार्ज यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। तो गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके नीचे गाइस आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा देगा, मोबाइल नंबर पर रिचार्ज, उसके बाद में गाइस हम अपने फोन पे वॉलेट से कर रहे हैं। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट, तो आपको कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस आप जैसे कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, वेट कर लेना है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे कुछ देर तक वेट कर लें, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। तो देखिए गाइस आप जैसे यहाँ पे वेट कर लेंगे, उसके बाद में गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, सो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए गाइस आपको यहाँ पे देखिए गाइस आपको यीशु विथ रिचार्ज ऑफ 199 रुपये स्टेटस पेंडिंग, मतलब गाइस हम रिचार्ज किए हैं वो पेंडिंग में हो गया है, अभी मेरा जो स्टेटस है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पेमेंट डेट 12 सितंबर 2020 12:39 पे हमने रिचार्ज किया है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नीचे आपको सेलेक्ट प्लीज सेलेक्ट द रीजन ऑप्शन, तो गाइस आपको यहाँ पे तीन रीजन आपको मिल जाएंगे। पहला जो रीजन है गाइस Why is the recharge pending? और दूसरा जो रीजन है गाइस रिचार्ज नॉट कम्प्लीट, और तीसरा जो ऑप्शन है गाइस अमाउंट डेबिट बट नॉट रिसीव द प्लान। तो गाइस अगर आपके बैंक, अगर गाइस आपके फ़ोन पे से पैसा भी कट गया और आपका रिचार्ज भी नहीं हुआ है, तो गाइस आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए गाइस हम थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो गाइस आप जैसे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए गाइस आपको यहाँ पे योर प्रीपेड रिचार्ज 199 इज पेंडिंग वाज वे ऑलवेज द अपडेट फॉर जियो ऑन द रिचार्ज स्टेटस यूजली जियो टेक ऑफ द 48 hours कन्फर्म द फाइनल रिचार्ज स्टेटस प्लीज़। तो देखिएगा इस यहाँ पे 48 घंटे के अंदर आपका जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नीचे क्या दिखा रहा है, प्लीज़ चेक द हिस्ट्री पेज ऑफ योर फोन पे ऐप आफ्टर 48 hours नाउ योर फाइनल रिचार्ज स्टेटस, मतलब कि गाइस यहाँ पे कह रहा है कि 48 घंटे के अंदर आपका जो रिचार्ज है एकदम इधर से फाइनल कर दिया जाएगा। उसके नीचे गाइस आपको यहाँ पे इफ जियो फील्स टू कंफर्म योर रिचार्ज स्टेटस आफ्टर 48 hours प्लीज कॉन्टेक्ट एज एंड वी विल बी श्योरली दिस द रिसॉल्व फॉर यू, मतलब गाइस यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपका 48 घंटे के अंदर भी आपका रिचार्ज नहीं होता है तो गाइस फिर से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे नीचे होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल, उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे फॉर द हेल्प प्लीज़ रिप्लाई द टिकट, यहाँ पे देखिए गाइस आपको एक टिकट मिलता है जिसको यहाँ पे देखिए गाइस आईडी नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए गाइस हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में गाइस आपको क्या करना है, आपका जो आपको 48 घंटे के अंदर, तो गाइस आपको
तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको 48 घंटे यहाँ पे वेट कर लेना है। 48 घंटे के अंदर गाइस आपका रिचार्ज यहाँ पे हो जाएगा। अगर गाइस आपका रिचार्ज 48 घंटे में नहीं होगा तो गाइस आप फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप जैसे फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।